मैं माधुरी पाटिल, अकोला टाइम्स में आपका स्वागत है। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 810वें उर्स के मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विभाग की ओर से मजार शरीफ के लिए चादर भेजी गई। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 810वां उर्स इस बार जनवरी के अंत में ही शुरू हो जाएगा। 27 जनवरी को दरगाह के बुलंद दरवाजे पर उर्स का झंडा चढ़ाया जाएगा। 2 फरवरी को जन्नती दरवाज़ा खुल जाएगा। हर साल जमादी उस्सानी महीने की 25 तारीख को दरगाह के बुलंद दरवाजे पर उर्स का झंडा चढ़ाया जाता है। चांद की 29 तारीख को परंपरा के अनुसार 2 फरवरी को दरगाह में जन्नती दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। यदि रजब महीने का चांद नजर आ गया तो उर्स की शुरुआत 2 फरवरी को रात से ही हो जाएगी, अन्यथा 3 फरवरी से उर्स की रसूमात शुरू होंगी। दरगाह में उर्स की महफिल शुरू हो जाएगी और मजार शरीफ को गुस्ल दिया जाएगा। यह सिलसिला रजब की 5 तारीख को रात में होगा। 6 रजब यानी 8 फरवरी को छठी की फतिहा और छोटा कुल की रस्म अदा की जाएगी। इसके साथ ही जन्नती दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। 11 फरवरी को बड़े कुल की रस्म खुद्दाम एक ख्वाजा अदा करेंगे। इस 810वें उर्स के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विभाग की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से मजार शरीफ के लिए अकोला से चादर रवाना की गई। होटल तंदूरी नाइट में सभी ने चादर के दर्शन लिए। फिर देश में अमन चैन, कोरोना जैसी बीमारी से छुटकारा के लिए दुआ मांगी गई। इस वक्त पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीकांत पीसे पाटिल, पूर्व अध्यक्ष राजकुमार मूलचंदानी, पूर्व कार्याध्यक्ष अफसर कुरैशी, शेख अजीज सिकंदर, शेख महबूब, शेख अनवर, सकवत शाह, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विभाग के महासचिव जावेद जाकरिया, इकरामुद्दीन भाई, वकार भाई, रियाज भाई, मौलाना आरिफ, शेख नदीम, महफूज खान, जावेद खान, तौकीर थड़ी आदि उपस्थित थे। अंत में मुफ्ती साहब ने दुआ की। अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय महासचिव जावेद जाकरिया ने प्रास्ताविक कर चादर कल अजमेर रवाना होने की जानकारी दी। शरद छेगोकार, अकोला टाइम्स। हिंद के बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज के 810वें उर्स पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से अजमेर शरीफ के दास्ताने के लिए चादर रवाना की गई और आज मुफ्ती साहब ने सभी के लिए दुआ की और हमारे देश में अमन और शांति रहे इसके लिए दुआ की। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विभाग की ओर से आज ये चादर अजमेर शरीफ के लिए रवाना की गई है और इंशाअल्लाह छठी के दिन दास्ताने पे ये चादर चढ़ाई जाएंगी और देश के लिए दुआ की जाएंगी।